हेलो नमस्ते सलाम दुआ वणक्कम प्रणाम सत श्री अकाल केम छो सारो छे। मैं शशांक आपका अपने चैनल ट्रिप ट्यूशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं हरिद्वार का कावड़ मेला, जो सावन में एक बार लगता है, जो हरिद्वार का एक बहुत ही बड़ा और भव्य कार्यक्रम होता है। ये कावड़ मेला क्या होता है, क्या कावड़ होती है, पहले आप देख लीजिए, उसके बाद में तो आपको इसके बारे में पूरी डिटेल से बताता हूँ। कावड़ क्या होती है और कावड़ कितने प्रकार की होती है, कावड़ किसे कहते हैं, तो पहले आप एक नजर कावड़ मेले पर डाल लीजिए। आप देख रहे हैं ट्रिप ट्यूशन हिंदी में। चलिए आपको बता देते हैं कावड़ क्या होती है। कावड़ को ले जाने वाले कोई साधु संत लोग नहीं होते, वो भी होते हैं, लेकिन आम तौर पर हम और आप ही कावड़ लेके जाते हैं। कावड़ ले जाने का प्रोसीजर इस तरह से है, लोग अपने गांव, शहर, हरियाणा, पंजाब, दिल्ली और भी बहुत सारे राज्यों से, जहां से वो पैदल वापस जा सकते हैं हरिद्वार से, वो अब बाय ट्रेन या अपने किसी साधन से हरिद्वार आते हैं। और हरिद्वार में गंगा स्नान करने के बाद और अपने सभी तीर्थ घूमने के बाद यहाँ से हर की पैड़ी से गंगा जल भरते हैं और उस गंगा जल को पैदल कावड़ में रख कर अपने गांव, शहर के शिवालयों तक पहुंचते हैं और शिवरात्रि वाले दिन उस जल को जो हरिद्वार से लेकर आए हैं कावड़ में भगवान शिव के ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये कावड़ का पूरा प्रोग्राम है कि कावड़ क्या होती है वो आपने देख ली और उसमें गंगा जल किस तरह से ले जाके कहाँ चढ़ाते हैं वो मैंने आपको बता दिया। अब इस कावड़ के भी मैं आपको बता दूं कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग अपनी मन्नत के अनुसार अलग अलग कावड़ लेके जाते हैं, कुछ लेके जाते हैं जो खड़ी कावड़ होती है, जिसमें वो चाहे उनका घर 200 किलोमीटर है या 500 किलोमीटर है, वो बीच में उस कावड़ को कहीं रखते नहीं है, वो उसको खड़े खड़े ही लेके जाते हैं। उसमें दो आदमी भी होते हैं या फिर अगर एक आदमी थक जाता है तो दूसरा आदमी उसको लिए खड़ा रहता है, उसको खड़ी कावड़ बोलते हैं। कुछ लोगों की कावड़ दूसरी तरीके की होती है, जैसे कि झूला कावड़, वो अपनी कावड़ को कहीं रुकते, ठहरते, खाते पीते, सोते सा टाइम अपनी कावड़ को झूला देते हैं, झुलाने के लिए स्टैंड बने होते हैं, वो अपनी कावड़ को झुला के धीरे 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 एक दिन, दो दिन, चार दिन, जितने भी उनका टाइम होता है उतने टाइम में अपने घर, अपने शहर में जाके अपने शिवालय में शिवरात्रि के दिन जल चढ़ाते हैं जो हरिद्वार से लेके आते हैं पैदल। और कुछ कावड़ डाक कावड़ होती है। डाक कावड़ क्या होती है, जिसमें 10 से 20 कावड़ियों का एक ग्रुप होता है जो कि नॉन स्टॉप चलती है, यानी कि वो रात दिन एक बार जो हरिद्वार से जल भर लिया जाता है उस जल को भरकर निरंतर चलते हुए शिवरात्रि तक अपने घर या अपने शिवालय में पहुंचते हैं। उसमें 20-50 लोगों का ग्रुप होता है जो सभी कावड़िए होते हैं। उसमें एक कावड़िया जल लेके, गंगा जल लेके दौड़ता है और बाकी सब कावड़िए उसके पीछे चल रही गाड़ी में बैठे होते हैं। जब वह थक जाता है तो बारी बारी सिर्फ दूसरा कावड़िया आकर उस जल को लेके आगे बढ़ाता है। वह नॉन स्टॉप कावड़ होती है, उसको डाक कावड़ कहते हैं।
इसी तरह के कावड़ के कई प्रकार हैं। सभी सभी अपनी अपनी मन्नतों के अनुसार से कावड़ को हरिद्वार से लेके जाते हैं और अपने शिवालयों में चढ़ाते हैं। लेकिन इस कावड़ का जो मेला है, इस मेले में एक बहुत ही बड़ी संख्या में हरिद्वार में श्रद्धालु और आते हैं और सबकी एक ही ड्रेस होती है। लगभग लगभग सभी कावड़ियों की एक ही ड्रेस होती है। सभी कावड़िया हरिद्वार से अपनी कावड़ खरीदते हैं और उसके बाद वहीं से कावड़ की ड्रेस खरीदते हैं और एक ही भगवा रंग में होकर हरिद्वार से निकलते हैं। मानव सड़कों पर भगवा रंग लहर रहा हो ऐसा दिखाई पड़ता है, जो कि एक बहुत ही बड़े गर्व की बात है, जो इतने सारे कावड़िये एक ही रूप में होकर चलते हैं। यह दिल्ली और हरियाणा से होने वाले रोड को इतना प्रभावित कर देता है कि कोई वाहन नहीं चलता और शासन और प्रशासन को वाहन को दूसरी जगहों पर डाइवर्ट करना पड़ता है और सारा रोड कावड़ यात्रा के लिए ही खुला रहता है। 8 दिन तक कावड़ का ऐसा मेला लगा रहता है हरिद्वार में, जिसे देखकर आप एकदम हैरान रह जाते हैं कि इतने कावड़ यात्री कहां से आए हैं। सभी ट्रेन, सभी बस और सभी साधन जो आने वाले हैं हरिद्वार, सभी फुल आते हैं और सभी में कावड़िये, मैक्सिमम कावड़िये ही आते हैं। तो अगर आप इस कावड़ मेला को देखना चाहते हैं तो हरिद्वार में कभी भी आप सावन के महीने में आ सकते हैं। हर साल ये सावन के महीने में ये कावड़ मेला लगता है। और यही नहीं, जहां आज के दौर में महिलाएं पुरुषों को कंधा से कंधा मिलाकर चल रही हैं, वो भी कावड़ में आने में पीछे नहीं है। वो भी कावड़ मेला में बराबर पुरुषों के साथ आती हैं और भक्ति भाव का पूरा आनंद लेती हैं। यही थी कावड़ की जानकारी। जल्दी आपको कुछ और भी अपडेट बताएंगे कावड़ के बारे में। तब तक के लिए धन्यवाद। ये हमारी नीलकंठ की वीडियो है। जो लोग नीलकंठ की वीडियो देखना चाहते हैं यहाँ से देख सकते हैं और जो लोग ऑफलाइन इस वीडियो को देख रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो लिंक पे जाकर हमारे नीलकंठ महादेव की वीडियो देख सकते हैं।